आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चिकन की कढ़ाई कैसे करते हैं। तो चिकन की कढ़ाई को कुछ लोग लखनऊ की कढ़ाई भी बोलते हैं। इसमें लखनऊ के कुर्ते बनते हैं, पजाम कपड़े बनाए जाते हैं लखनऊ में, तो वो चिकन की कढ़ाई कहलाती है। आज हम वही करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सुई निकालेंगे, नीचे से धागे में गांठ लगा लेते हैं और फिर ऊपर सुई निकालते हैं, और फिर थोड़ी दूरी पर ऐसे टांका लेते हैं। फिर थोड़ी दूरी पर इसको निकालते हैं। ऐसे छोटे छोटे टांके लेते जाएंगे, लेकिन सेंटर में एक ही रखेंगे, इसी सेंटर में ही बार बार लेंगे तो छेद हो जाता है। फिर यहाँ बीच में छेद कर देते हैं, इस तरफ बार बार डालते डालते सुई में। ऐसे फिर थोड़ी दूर पे निकालेंगे, फिर उसी छेद में डालेंगे बीच में सेंटर में, फिर ऐसे बनाएंगे टांका लेंगे। फिर थोड़ी दूर पे निकालेंगे तो ये फूल बन जाता है इस तरह से। फिर थोड़ी दूर पे निकालेंगे, फिर उसी सेंटर में ही डालेंगे। फिर थोड़ी दूर पे निकालते जाएंगे, ऐसी करके पूरा गोला बना लेते हैं। ये देखिए एक ही जगह पे डालते डालते ये छेद हो जाता है। इस कढ़ाई से आप कुर्ते बना सकते हैं, फ्रॉक में ये कढ़ाई कर सकते हैं चिकन की, या कोई भी कवर बना सकते हैं। ये कढ़ाई बहुत सुंदर लगती है देखने में। तरह से फूल बनकर तैयार हो जाता है चिकन की कढ़ाई का।